नमस्कार, मैं वैशाली आप सबका स्वागत करती हूं बहावा क्रिएशन के आपके अपने चैनल पे। आज का जो ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल में हम बहुत ही क्रिएटिव वायर रैपिंग टेक्निक के साथ मंगलसूत्र की एक नई डिजाइन सीखेंगे। मैंने अलग अलग फॉर्म में मंगलसूत्र के अलग अलग डिजाइन पर्ल्स यूज करके आपके लिए मैं वीडियोज इसके पहले भी लेके आई हूँ। ये जो ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल में हम बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक के साथ और सिंपल और इजी स्टेप्स के साथ ये मंगलसूत्र की डिज़ाइन सीखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा ट्यूटोरियल आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। ये मेरा ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ साथ कॉमेंट भी कर दीजिएगा। जो व्यूवर्स आज मेरे चैनल से नए से जुड़े हुए हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इनोवेटिव और क्रिएटिव कंटेंट आपको मेरे चैनल पे आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए सीखते हैं बहुत ही क्रिएटिव वायर रैपिंग टेक्निक के साथ मंगलसूत्र की डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। मंगलसूत्र के डिज़ाइन के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, ये पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 20 गेज गोल्डन पॉलिश वायर ली हुई है, वैसे ही 22 गेज गोल्डन वायर लगेगी हमें, 30 गेज वायर लगेगी हमें, वैसे ही बॉल पिन लगेंगे गोल्डन ही। और यहाँ पे मंगलसूत्र बना रहे हैं तो रेडी डबल लाइन 18 इंच मंगलसूत्र की चैन ली हुई है हमने, वैसे ही तंबल बीड लगेंगे हमें 12 mm साइज़ के, 4 mm साइज़ के वाइट पर्ल्स, 6 mm साइज़ के टायर शेप मरून क्रिस्टल, 4 mm साइज़ के क्लियर ट्रांसपेरेंट में हमें क्रिस्टल लगेंगे, ग्लास क्रिस्टल, वैसे ही 4 mm साइज़ के गोल्डन बीड्स लगेंगे। मंगलसूत्र का पेंडेंट जो है, ये ऐसे बेसिक मॉडल जो है हमें बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये स्प्रिंग बना के लेनी है और फिर हम ये पेंडेंट जो है वो कंपाइल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 22 गेज वायर में से कुछ वायर ऐसे लूज़ करके ली है और यहाँ पे राउंड नोज प्लायर के साथ मैंने यहाँ पे ये जो सर्कल बनाए हैं, ये मैंने मेरे हिसाब से बनाए, आप इसको छोटा बड़ा जो साइज़ है वो कर सकते हो, तो मैंने मीडियम साइज़ के बनाए। तो इसके लिए ये टूल जो है राउंड नोज प्लायर, उसके ये वाला जो पेग है उसके एग्जैक्टली सेंटर में हम वायर पहले रखेंगे और एक जो है ऐसे राउंड बनाएंगे। एक लूप होने के बाद हम इसको निकालेंगे नहीं, उसी पॉइंट पे ये टूल जो है ऐसे घुमाते जाएंगे तो ये एक गोल्डन वायर के ऐसे स्प्रिंग की तरह ये बन जाएगी। आप यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जहाँ पे हमने पहले इस पॉइंट पे पकड़ा था उसी पॉइंट पे हमें इसको कंटिन्यूसली घुमाना है। ऐसे घुमाते घुमाते हमें यहाँ पे 20 टाइम्स हमें राउंड करने हैं, तो 20 लूप की एक स्प्रिंग मैं यहाँ पे बना के ले रही हूँ। तो करीब करीब ये 10 राउंड अप्रॉक्सीमेटली हुए, अभी मैं ये 20 राउंड की एक स्प्रिंग बना के लूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्प्रिंग की तरह एक पोर्शन मैंने बना के लिया। अभी एग्जैक्टली जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे हम ये वायर जो है ऐसे लेके आएंगे और यहाँ पर इसको कट करेंगे। इसलिए हमने इसको मेजर करके नहीं लिया है, क्योंकि हम अगर इसको लूप को छोटा बड़ा करना चाहे तो आप कर सकते हो, इसके लिए हम इसको जो है लूज करके वायर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि ये स्प्रिंग रेडी हुई है, अभी ये जो पॉइंट है इधर का और ये ऐसे करके हमें इसको दोनों पॉइंट को ऐसे खींच के ये स्प्रिंग जो है ऐसे लंबी करनी है धीरे धीरे, ईच एंड एवरी लूप में एग्जैक्टली सेम ऐसे टेंशन और सेम गैप रहनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से ये स्प्रिंग जो है हमने ऐसे टेंशन देके इसको फैलाया है और ईच एंड एवरी गैप जो है अप्रॉक्सीमेटली सही है। अभी यही जो स्प्रिंग है उसको हम ऐसे दबाएंगे, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये पेंडेंट बनाने के लिए। जैसे मैंने स्टेप यहाँ पे दिखाए है, आप ईच एंड एवरी स्टेप अगर ये अच्छे से फॉलो करोगे तो आप ये पेंडेंट जो है एकदम आसानी से बना सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे हमने इसको खोला था तो इतना लंबा हुआ था, अभी जैसे हमने इसको बिठाया तो ये कम हुआ। अभी हमें धीरे धीरे फिर से थोड़ा थोड़ा ओपन करके इसको ऐसे प्रेस करते करते जाना है,
और जितना आपको इसको राउंड शेप देना है उतना आप यहाँ पे दे सकते हो। थोड़ा थोड़ा खोल के इसे बिठाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि धीरे धीरे ये ईच एंड एवरी लूप जो है ऐसे खुल रहा है, और जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वैसे ही थोड़ा थोड़ा ओवरलैप है ईच एंड एवरी लूप। तो इस तरीके से ये खींच के मैं ये कंप्लीट पीस जो है नीचे का ये बना के ले रही हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ईच एंड एवरी लूप जो है थोड़ा थोड़ा ऐसे ओवरलैप है एक दूसरे के ऊपर। इतना हमें इसको खोलना है। आप चाहे तो और भी खोल सकते हो, लेकिन ऐसे जो थोड़ा सा ओवरलैपिंग जो लुक है वो अच्छा दिखता है इस तरीके के पेंडेंट बनाने के लिए। अभी हमें जो 20 गेज गोल्डन वायर है उसमें से भी मैंने रोल में से कुछ वायर जो है करीब करीब एक फीट लूज करके लिए है, और यहाँ पर हमें इस तरीके का पेंडेंट बनाने के लिए यहाँ पे दोनों तरफ हमने ऐसे वायर रैपिंग के दो पर्ल के कुड़ी के पीस बनाए हैं। तो वो बनाने के लिए हम यहाँ पे पीछे से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दो स्पाइरल पहले से ही बना के लिए है, और फिर हम ये जो स्प्रिंग जो है उसके ऊपर टाई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ लूप बनाने के लिए हम थोड़ी वायर छोड़ेंगे, और फिर यहाँ पे करीब करीब एक इंच तक हमने वायर छोड़ी और एक छोटा सा लूप बना के लेंगे इस तरीके से। और फिर फ्लैट नोज या बेंड नोज प्लायर के साथ हमें दो से तीन राउंड का एक छोटा स्पाइरल बनाना है। इतना काफ़ी है, ये स्पाइरल दो से तीन राउंड का जो स्पाइरल है वो काफ़ी है। हम इसको अभी जो स्पाइरल हमने बनाया उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, और यहाँ पे ये स्प्रिंग जो हमने बनाई है वो यहाँ पे हम मेजर करेंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस हमें यहाँ पे रखना है क्योंकि यहाँ पे 4 mm साइज़ के पर्ल्स जो है फिट होने चाहिए। तो थोड़ा डिस्टेंस रख के हम इसको मेजर करेंगे इस तरीके से, और जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस छोड़ा है वैसे ही इस एंड पे भी थोड़ा यहाँ पे पकड़ के थोड़ा डिस्टेंस हमें छोड़ना है। और फिर हमें इस तरफ भी एक स्पाइरल बनाना है। स्पाइरल बनाने के लिए और थोड़ा यहाँ पे रख छोड़ के फिर हम यहाँ का भी स्पाइरल बना के लेंगे। ये इस तरीके से बेस रेडी हुआ। अभी इसको हम हाथ से ही थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे ताकि ऊपर की तरफ दोनों एंड जो है हमारे आने चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा रखे हम इसी वायर को जो है एक्सेस वायर को यहीं पर कट कर देंगे इस तरीके से। अभी ये दोनों शेप जो है बेस हमारे रेडी हो गए। अभी यहाँ पे जब हम स्प्रिंग करते हैं तो दोनों तरफ ऐसे एक्सेस एंड जो है वो निकल के आए हैं, उसको हम एग्जैक्टली यहाँ पर कट करेंगे जहाँ पे वो क्रॉस हो रहे हैं। और फिर हमें 20 गेज वायर के साथ ये स्प्रिंग जो हमने बनाई है वो हमें अटैच करते जानी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे करीब करीब 1.5 मीटर 30 गेज वायर जो है ऐसे निकाल के साइड में कर दी है। अभी हमें ये स्प्रिंग वाला जो पोर्शन है जहाँ पे हमें इसको फिक्स करना है, दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा वायर जो है वो छोड़ के यहाँ पे हमें फिक्स करना है। एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों तरफ मैंने इक्वल जो यहाँ से वायर छोड़ के अभी इसको पकड़ा है। पहले थोड़ा सा वायर लेके 30 गेज का दो उंगलियों में पकड़ेंगे, और फिर ये फर्स्ट दो लूप जो है उसके बीच में से हमें इसको निकालना है ऐसे, और दो से तीन राउंड लगाने हैं ताकि ये टेंटेटिवली यहाँ पे फिक्स हो गया, ये आप देख सकते हो। और फिर ये जो छोड़ा था हमने उसको फिर से एक बार हम देखेंगे कि बराबर से दोनों तरफ है, और फिर हम इसी वायर जो छोड़ा है उसको 4 से 5 बार राउंड लगा के इसको एक्सेस वायर जो है वो यहीं पर ही कट कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको कट किया। अभी जैसे हमने फर्स्ट दो गैप में से दो लूप के गैप में से हमने फिक्स किया था, वैसे ही हमें ईच गैप में से 3 से 4 बार 30 गेज वायर से लूप लगाने हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर ये कंप्लीट स्प्रिंग जो है इस प्रकार इस 20 गेज वायर के बेस के ऊपर हमें इसे अटैच करते जानी है। अटैच करते वक्त आप
20 गेज वायर के नीचे ये अटैच होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं। ऊपर मीन्स इसके ऊपर ऐसे नहीं आनी चाहिए, ऐसे एक लेवल में उसको अटैच करते जाना है। तो इतना इजी है ये, 2 से 3 राउंड लगा के हम अभी इसको फिक्स करेंगे। ये देखिए इस प्रकार। अगर आप चाहे तो फ्लैट नोज प्लायर के साथ थोड़ा होने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे दबा सकते हो ताकि ये एक लेवल पे ऐसे फिक्स हो जाए। जैसे हमने ये हाफ अटैच किया है वैसे ही हम इसको भी लूप के साथ अटैच करके ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये बराबर से सब जो स्प्रिंग है इस पोर्शन के साथ अटैच किया। तो यहाँ पे हमें 30 गेज वायर में 16 4mm साइज के गोल्डन बीड्स पिरो के लेने हैं, क्योंकि हमें इसके ऊपर ये जो हमने रैपिंग किया वो भी हाइड भी करना है और एक डिज़ाइन भी रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पे ये 30 गेज वायर में 16 बीड्स पिरो के लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कंप्लीट जो हमने 16 बीड्स पिरोए उसको यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल बीच में गैप नहीं रखेंगे, बीड़ के बीच में वायर का गैप नहीं रखेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे थोड़ा ऐसे कवर शेप में उसको रख के इस तरह यहाँ पे हम 2 से 3 राउंड ऐसे लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जैक्टली इसके ऊपर ये यहाँ पे आए हैं। अभी एक एक बीड हमें इसी वायर के साथ ये लूप में, दो बीच के लूप में जो गैप है उसी गैप में ऐसे एक एक लूप डाल के इस तरीके से इसको ऐसे फिट करते जाना है। और ईच एंड एवरी बीड जो है टाइटली हमें खींच के ही ऐसे उसको फिट करना है। तो हर एक गैप में हमें हर एक बीड जो है फिट करते जाना है। आप यहाँ पे जब हमने स्प्रिंग बनाई थी नीचे की तो हमने 20 लिए थे। आप यहाँ पे एक हाथ स्प्रिंग जो है ऐसे छूट सकती है। ये कंप्लीट 16 बीड्स जो है वो हमें ये एक एक लूप लेके ऐसे हमें पैक करने हैं। उसके सामने एग्जैक्टली जो गैप आएगी उसी गैप में हमें पैक करने हैं, और इस वायर के ऊपर हमें इसको रख के फिर हमें इसको टाइटली पैक करना है। तो ये हर एक बीड जो है पैक करके मैं यहाँ तक इसको लेके आ रही हूँ। ये कंप्लीट रैप होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्प्रिंग के ऊपर ये गोल्डन बीड जो है अच्छे से टाइटली रैप हुए। अभी सिर्फ हमें दोनों तरफ ये कुड़ी जो है वो पैटर्न करने हैं। तो उसके लिए हमें इसी 30 गेज वायर में 4mm साइज के ये 7 पर्ल्स जो है वो पहले पिरो के लेने हैं। ये हमने 7 पर्ल्स जो है पिरोने के बाद इसको ही हमें यहाँ पे ऐसे एक लूप बनाना है। आप यहाँ पे ऐसे रख के इसको एक ट्विस्ट दे सकते हो ताकि ये कुड़ी के फॉर्म में करने के लिए हमें बहुत आसानी जाए। अभी यही वायर जो है पीछे से हम इस तरफ इसको लेके आएंगे ऐसे, और फिर इसी वायर में हम 6mm साइज का एक मरून कलर का क्रिस्टल डालेंगे, और उसको हमें इस बीच में इस तरीके से फिट करना है। इस तरीके से ये फिट हुआ। अभी हमें एक रैप में 3 पर्ल लेके मीन्स 1 2 3 ऐसे ये रैपिंग जो है ऐसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये कंप्लीट रैपिंग होने के बाद ये अच्छे से कुड़ी जो है ये पेंडेंट के फॉर्म में आ गई है। अभी यहाँ पे ये जो वायर है 30 गेज का इसको इसके ऊपर 3 से 4 रैपिंग राउंड लगा के हम इसको एक्सेस कट करेंगे, और यही वायर हम दूसरे तरफ का कुड़ी जो है वो बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये एक तरफ का मेरा हुआ। अभी यही वायर जो है इस पे यहाँ पे हम 2 से 3 लूप लगा के ऐसे जॉइन करेंगे, और इसी वायर में ये पर्ल और क्रिस्टल डाल के जैसे हमने यहाँ पे कुड़ी बनाई है वैसे ही मैं यहाँ पे कुड़ी बना के ले रही हूँ। ये कुड़ी बनाई है और ये एंड जो है उसको 3 से 4 बार हम यहाँ पे रैप करके एक्सेस यहाँ पर ही कट करेंगे। तो ये पेंडेंट ऑलमोस्ट हमारा रेडी हुआ है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों तरफ ये लूप बनाने के लिए वायर भी बचे हैं। सिर्फ ये दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये ऐसे थोड़ा सा फैला हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कवर करके इसको शेप देंगे। तो ये एग्जैक्टली ऐसे पेंडेंट के फॉर्म में आ जाएगा।
तो इस प्रकार ये पेंडेंट का बेस रेडी हुआ है। अभी हमें नीचे सिर्फ क्रिस्टल जो है उसका लटकन करना है। लटकन करने के लिए बॉल पिन जो है उसको हम बीच में कट करेंगे और एक एक बॉल पिन लेके हमें लटकन जो है सेंटर में से स्टार्ट करना है। ईच एंड एवरी लूप में मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप चाहे तो आप जितना चाहे उतना बीड का जो लटकन है वो आप दे सकते हो। यहाँ पे मैंने एक लगाया, वैसे ही हम ईच एंड एवरी लूप में एक एक क्रिस्टल जो है यहाँ पे लटका के लेंगे और ये एक्सेस बॉल पिन का जो एंड है वो भी हम कट करेंगे। यहाँ पे ये हमने ईच एंड एवरी लूप में लटकाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत से ऐसे पेंडेंट जो है रेडी हुआ है। अभी यहाँ पे जो एक्सेस वायर हमने ऊपर की तरफ रखी है उसको 1 सेंटीमीटर रख के अगर एक्सेस है तो हम कट करेंगे और यहाँ पे हम एक लूप बनाएंगे। दोनों तरफ हमें लूप बना के लेने हैं। ये मैंने इस तरफ बनाया, वैसे ही हम इस तरफ भी बना के ले रहे हैं। ये देखिए ये पेंडेंट जो है रेडी हुआ है। अभी मंगलसूत्र चैन में हमें इसको लटकाना है, अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे 22 गेज की जो गोल्डन वायर है वही लूँगी। इस वायर में हमें पहले एक 4 mm साइज़ का गोल्डन बीड डालना है, फिर हमने जो तंबल बीड लिया था वो डालना है और उसके ऊपर और एक गोल्डन बीड डालना है। अभी ये इस एंड पे हम एक छोटा सा लूप करेंगे और वो पेंडेंट के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लूप बनाया, उसको राइट एंगल देके ओपन किया। अभी ये हम इस पेंडेंट के लूप में डालेंगे इस प्रकार और इसको क्लोज करेंगे। अभी ये सब बीड्स हम नीचे लेके आएंगे और फिर ऊपर भी हमें यहाँ पे यहाँ इस बीड से 1 सेंटीमीटर ही रखना है और एक्सिस कट करना है और फिर यहाँ पर भी हम एक लूप बनाएंगे और ये वाला जो लूप है उसको हमें इस चेन के ये जो रिंग है वो रिंग हम खोल के चेन के दोनों तरफ ये दोनों जो लूप है उस लूप में हमने ये जो लूप बनाया है वो हम डाल के दोनों तरफ इसको अटैच करके लेंगे तो हमारा यहाँ पे ये मंगलसूत्र रेडी हो जाएगा। इस प्रकार वायर रैपिंग टेक्निक के साथ इनोवेटिव और क्रिएटिव मंगलसूत्र की ये डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसके साथ ईयरिंग्स भी बनाए एक सिंपल बीड लेके। और ये जो मेरा ट्यूटोरियल है मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। आपको अगर ये पसंद आया है तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर करके कमेंट भी कर दीजिएगा। इस ट्यूटोरियल के साथ जो व्यूवर्स आज मेरे चैनल से नए से जुड़े हुए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसके आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही क्रिएटिव और इनोवेटिव कंटेंट के साथ हमेशा ही मिलते रहे। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।